तुम क्या होगी, तुमको कोई गिराएगा? तुम क्या होगी, तुमको कोई गिराएगा? तुम नेता हो, तुम नेता हो। पढ़ाई, शिक्षा और सुरक्षा दोनों चाहिए बस। नमस्कार, मैं अनामिका ओझा। आपने देखना शुरू कर दिया है गुड मॉर्निंग न्यूज। मीडिया ट्रायल में वायरल सोनू एकाएक बेहोश होकर गिर पड़ा। चुप, एकदम चुप रहो, उंगली नीचे करके बात करो। पिछले कुछ दिनों से उससे ऐसे सवाल किए जा रहे थे कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। क्यों नहीं देना है? क्या जवाब है? तुमसे पूछ के सवाल करेगा आदमी? लेकिन सोनू ने जो सवाल खड़े किए थे उसका समाधान अभी तक नहीं निकला। हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। आईएएस का फुल फॉर्म बताइए ना सर। आईएएस का फुल फॉर्म बताइए। सिविल सर्विसेज का स्पेलिंग जानते हैं सर? आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, स्पेलिंग? सीएम नीतीश कुमार के सामने सोनू ने बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था के सवाल खड़े किए वह आज भी वही है। सर, हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसको लेकर सोनू का मीडिया ट्रायल कर रहे ज्ञानी यूट्यूबर सीएम नीतीश कुमार या फिर शिक्षा मंत्री से कोई सवाल नहीं किए। तुम क्या होगी, तुमको कोई गिराएगा? तुम क्या होगी, तुमको कोई गिराएगा? तुम नेता हो, तुम नेता हो। पढ़ाई, शिक्षा और सुरक्षा दोनों चाहिए बस। वे उसके सवाल पर उनसे भी प्रश्न नहीं किए जो उसका वीडियो वायरल होने के बाद उनसे मिलने गए थे। उससे मिलकर लंबा चौड़ा आश्वासन दिया था, लेकिन प्रतिदिन सोनू का जरूर मीडिया ट्रायल होता रहा। पत्रकारों के सवाल देते देते वह परेशान हो गया और बेहोश हो गया। दरअसल सोनू बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दिया था। आइए पहले आपको बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल दिखाते हैं। यह तस्वीर बिहार के स्कूलों का है। सोनू ने इस पर सवाल खड़ा किया था। सोनू पहला बच्चा नहीं है जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। इससे पहले भी बिहार के बच्चों ने बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, लेकिन इस पर रिपोर्टिंग के बदले यूट्यूबरों ने सोनू का मीडिया ट्रायल करने लगे। पढ़ाई, शिक्षा और सुरक्षा दोनों चाहिए बस।